हेलो एवरीवन, दिस इज सब साइलेंट एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉन्ड SMP सीजन 2। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो आप लोगों के सपोर्ट के वजह से हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 1.8K हो चुका है और बहुत ही जल्द 2K भी होने वाला है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो गाइस, इस वाले वीडियो से हम लोग एक नया जो एम है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लाइक एम। तो गाइस, पिछले वीडियो में आप लोग 600 लाइक किए थे, 600 लाइक्स। तो क्या इस वाले वीडियो पे हम लोग 700 लाइक्स का जो एम है वो कंप्लीट कर सकते हैं? तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अभी जाके लाइक करना है वीडियो को और देखते हैं कि इस वाले वीडियो पे 700 लाइक जो है वो कंप्लीट होता है कि नहीं। तो गाइस, पिछले 2-3 एपिसोड पहले मैं बोला था कि ये वाला बेस को मैं छोड़ने वाला हूँ और एक नया बेस बनाने वाला हूँ, जो कि यश के उधर पे मैं प्लॉट भी देख के आ गया था। लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों, लेकिन मैं ये बेस को अभी तक छोड़ नहीं पाया। इसके लिए भी एक सॉल्यूशन मैं ढूंढ के रखा है, तो आप लोग वो कर सकते हो। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक कमेंट करना है जिसमें इस वाले घर के लिए एक बुरा कमेंट होगा। तो आप लोगों को एक बुरा कमेंट करना है ये घर के ऊपर कि हाँ, ये घर बुरा है, ये दिखने में अच्छा नहीं है। तो ऐसे करके बुरा कमेंट करना है, जितना बुरा हो सके उतना आप कमेंट कर सकते हो। तो जितना आप लोग इसको बुरा बोलोगे उतना ही मेरे को रीज़न मिलेगा एक नया बेस बनाने को। और जो भी बंदा सबसे बुरा कमेंट करेगा इस घर के ऊपर, जो जिसका कमेंट सबसे खतरनाक होगा, उसको मिलेगा अगले वीडियो पे एक शाउट आउट, स्पेशल शाउट आउट। और हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि शाउट आउट जो सिस्टम है वो मैं इस वाले वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिलहाल तो अभी तक मेरा परमानेंट बेस नहीं बना, तो जब बन जाएगा तब कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो जो शाउट आउट है वो सिर्फ मैं ऑन स्क्रीन करने वाला हूँ। तो गाइस, आज का जो शाउट आउट है वो जाने वाला है इस वाले बंदे को जिसका नाम है तायब खान। सो थैंक यू मेरे वीडियो पे कमेंट करने के लिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग UTK के साथ एक बिजनेस डील किया था, जिसमें UTK का जो इंचेंटेड बुक्स का शॉप था उसको हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं, एंड वहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं एक इंचेंटेड आर्मर एंड टूल्स का शॉप। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पे मेरे को UTK से मिलना है, क्योंकि उसके साथ काम करना है उसके जो शॉप है उसके अंदर, तो वहाँ पे जो काम करना है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा फूड जो है वो कलेक्ट करना है LLR कैफ़े में से। तो चलते हैं LLR कैफ़े में से थोड़ा सा जो है फूड कलेक्ट कर लेते हैं। इसको बार बार मैं भूल जाता हूँ। ओके, पहले 30 मिलता था, अभी 28 मिल रहा है। स्कैम कर रहा है एलस्ट्रेड। ये क्या है, आई एम ईटिंग इट? नहीं, इसमें पहले तो कुछ और लिखा था। रुको एक मिनट। तो कोई तो इसमें कांड किया और इसको चेंज करके आई एम ईटिंग इट लिखा। मुझे लगता है ये DGA का काम रहेगा, क्योंकि वही ऐसा लिखता है, और बाकी सब शायद हिंदी में लिखता तो क्यों नहीं, थोड़ा मेरा भी हक बनता है। तो चलो अभी चलते UTK से मिलने। तो सब सेकंड रेडी हो? हाँ रेडी हुआ एकदम। ओके आ जाओ फिर। तो तोड़ते हैं पैक। कुल्हाड़ी लाया हूँ। इसका टाइटल क्या होने वाला है, JCP की खुदाई? शॉप की खुदाई। तो स्टार्ट कर दो, अभी देखते हैं। कर दो स्टार्ट कर दो, रुकना है किस बात के लिए है? ओके ओके। तो शॉप साइलेंट, कैसी, किस टाइप की शॉप बनानी है, कैसे, मतलब क्या करना है बताओ। ओके, तो डिजाइन कैसा होना चाहिए? तो हमारा जो मेन थीम है उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो हमारा थीम जो है वो है, मतलब पूरा मेन, तो मेन हमारा थीम, हाँ, आर्मर सेट करके बनाएंगे।
आर्मर सेट एंड टूल्स का जो इंचेंटेड वर्जन है वो हम लोग बेचने वाले हैं। हाँ तो हाँ क्यों ना हाँ हम लोग एक बड़ा सा शील्ड बनाएं, जो कि वो मिलिट्री में जैसे मतलब मिलिट्री सॉरी जो ओल्ड जमाने का शील्ड रहता था ना, ऐसा हार्ट हाँ टाइप हाँ का, हाँ हार्ट जैसा दिखने वाला। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। हाँ तो ऐसा एक शील्ड रहेगा और एक तरफ से एक शॉट जाएगा, दूसरी तरफ से एक जाएगा एक्स। या तो हम लोग ओके आयरन हाँ का भी बना वाओ सकते हैं या फिर हम लोग डायमंड का ही बना सकते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है। आयरन का भी अच्छा लगा क्योंकि आयरन हम स्टोन यूज करते हैं कर सकते हैं, बट डायमंड के लिए हमें वूल यूज करनी पड़ेगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। हाँ आयरन का हाँ तो मस्त आयरन का अच्छा रहेगा। रहेगा, और आयरन का क्योंकि जो शील्ड्स वगैरह पुरानी होती थी ना उसमें आयरन का यूज होता था। हाँ हाँ क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टाइप शील्ड्स होती थी, थोड़ी मोनोक्रोम में होती थी, तो वही अच्छा लगेगा। तो ठीक हाँ है बनाएंगे कैसे कैसे, इन्हीं रिसोर्स से लकड़ियों से बनाएगा वो भी नहीं, तो सबसे पहले तो तो। हम लोगों को ये जो चीज़ है मतलब हाँ यहाँ का एरिया क्लियर करना है। हाँ ये एरिया क्लियर करना है और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाना है, क्योंकि हमारा जो ओके बिल्ड हाँ है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो ये छोटे जगह में मतलब लगता नहीं क्या हाँ यार? वही है, हाँ डेप्थ थोड़ी देनी हाँ पड़ेगी, थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा एरिया। हाँ तो चलो तो ठीक है इसको पहले करते क्लियर और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। ओके सो धीरे धीरे शॉप बनेगी, बगर बढ़िया बनेगी और उम्मीद है कि शॉप चले भी अच्छी खासी। बस वही है ना क्योंकि देखो लोगों को अभी आर्मर की जरूरत पड़ेगी, और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात हुई थी नए अपडेट में नेदर राइट आने वाला है, तो हम लोग नेदर राइट भी नेदर राइट से भी टूल अपग्रेड करके बेचा करेंगे, उसमें बहुत फायदा रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। सो ओके अभी देखते हैं फटाफट से कितना हमें एरिया जरूरत पड़ेगी यहाँ पे शॉप के लिए, पीछे पीछे इसको यहाँ से भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो मैंने प्रैंक किया था उसका जो एग्जिट है वो यहाँ से हो रहा है, इसको भी मेरे को अब बंद करना पड़ेगा क्योंकि काफी लोग उस प्रैंक में फंस चुके हैं अब। ओके सो पहले इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, ये यार इसकी बेचारे की गोल्ड कॉर्नेट की शॉप का एंट्रेंस थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम है, इसको हम सही करके जाएंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं इसका है एंट्रेंस बिल्कुल। का थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मतलब हाँ दूसरा हम कुछ ना कर एक सकते एक काम हैं। करेंगे, हम यहाँ से एंट्रेंस लेके ऐसे फिर सीधा कर देंगे ऐसे हाँ वो हम लोग अभी थोड़ा तक। सा हाँ डेकोरेट अभी कर देंगे स्टोन से या फिर जो हाँ स्टोन वो ब्रिक होता है स्लैब से। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल सही करके जाएंगे। अब किसी की चीज को बिगाड़ रहे तो सही भी हमारा ही फर्ज है करना। ओके इतनी जगह बहुत है या और करना हाँ पड़ेगा? इतना जगह सही है, तो अभी पीछे जो ठीक है है हम लोगों अभी को स्टेंट करना हाँ अभी पड़ेगा। पीछे पीछे एक्सटेंड करते हैं। ओके ओके गाइस, तो इसके बाद मैं 2 दिन ऑफलाइन था और मेरे इधर बहुत बारिश हो रहा था, तूफान हो रहा था, तो इसके वजह से मैं नहीं खेल पाया। और यूटीके साहब ने इधर पे थोड़ा सा एक डेकोरेट किया, सील बनाया, फिर उसके बाद यूटीके जी ने बोला कि ये सील्ड यहाँ पे कुछ जच नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने भी कहा हाँ सही बोल रहे हो कि ये अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करें कि क्या हम लोग ये शील्ड को जो हमारा वो कोरल शॉप है उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यूटीके को बोला कि क्या हम कर सकते हैं ऐसा, जो जिधर पे मेरा कोरल शॉप है वहाँ पे अगर ये शील्ड बनाए, मतलब शील्ड का ये शॉप बनाए, मतलब आर्मर शॉप बनाए, सॉरी गाइस, तो क्या वो अच्छा लगेगा? तो उसने बोला हाँ सही है, तो फिर तुम्हारा कोरल शॉप का क्या? तो मैं बोला कि कोरल शॉप उसको तो वैसे भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको तोड़ने वाला है अभी। तो यहाँ पे हमारे बनने वाले हैं आर्मर शॉप एंड कोरल शॉप, बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। फिलहाल तो अभी मुझे लग नहीं रहा कि कोरल शॉप का कोई भी ज़रूरत होगा। तो गाइस काम चल रहा है ज़ोरों से और यूटीके फिर से स्टार्ट कर दिया और शायद इस बार सही लगे। अगर इस बार सही नहीं लगा और इस बार अगर कुछ गलती हुआ और मैं यूटीके को बोला कि इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा और फिर से बनाना पड़ेगा, तो ये मेरे को मारने वाला है, पक्का मेरे को मार ही देगा या तो फिर रियाम से क्लिक किक कर देगा। तो चलो ये बनने के बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस इतना काम हो गया, आपको तो पता ही है मैं कुछ नहीं किया और सबके साथ जो काम है वो यूटीके ने किया और ये फ्रेम बना दिया। और यूटीके तो सब ये कितने बार किया ये काम? कितनी बार क्या, 2 बार ही किया है वैसे तो, बट 2 बार में भी बहुत बार किया है ओ यार। भाई सब साइलेंट साहब मतलब बहुत बहुत काम करवाते हो यार तुम, बहुत। मैं ओ सच बोलूंगा मैं ये बात।
तो अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक फ्रेम बना है, इसके पीछे और भी कुछ बनाना है। आपको पता ही होगा कि क्या क्या अभी काम बाकी है। अभी तो बहुत है, इसके अंदर शॉप बनानी है, पहाड़ के हमने जगह चेंज करी है, पहाड़ के अंदर हमारी शॉप बनेगी। ओके अभी तो स्टार्टिंग ही है जस्ट, काम तो अभी बहुत बाकी है यहाँ पे। ओके ठीक है, तो आप ये कंप्लीट कर लो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, ठीक है? आप कुछ नहीं बोलोगे मैं घूमने चला गया? मैं करूँगा ही नहीं, जब आओगे वापस ओ भाई साहब, मिलेगा। चलो कोई नहीं, करते काम स्टार्ट और इसके बाद मिलते हैं आप लोगों के हाँ ओके साथ। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ जो ये मेसा बायोम में, इसमें आ गया हूँ क्योंकि वो डिज़ाइनिंग के लिए यूटीके ने बोला कि थोड़ा बहुत रेड सैंड चाहिए और टेराकोटा चाहिए, तो इसीलिए मैं आ गया ये मेसा बायोम में। और अभी ये सब चीज़ों को जो है ये कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये कलेक्ट करके मैं लेके जाता हूँ फटाफट से, जितना भी हो सके उतना लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो सील्ट का काम थोड़ा सा जो है वो कंप्लीट हो गया है, और अभी इसके ऊपर से इस तरफ से एक एक्स बनेगा और इस तरफ से एक शॉर्ट बनेगा, और फिर इसके अंदर से जाएगा पूरा शॉपिंग का जो एरिया है वो, और इसके अंदर से यहाँ पे हमारे बनने वाला है शॉप। और बाकी का काम तो या फिर हम लोग ऑफलाइन करेंगे या तो यूटीके का लाइव स्ट्रीम में करेंगे, तो वो डिपेंड होता है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, और अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक जो है वो लाइक तो करना है आप लोगों को। सो ग्रियन की स्टाइल में गुड बाय।